रहीम असल क्या हाल है आप सब सबकी उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज है जी वो खुशकस्मत दिन जिस दिन हम भी लकी साबित हुए कि हमें घर बैठ के जो है वो नाश्ता बना हुआ मिल गया नहीं नहीं वैसे हंड्रेड परसेंट नाश्ता बनावा नहीं मिला चाय मैंने ख़ुद बनाई है और पराठे मैंने फ़्राई किए हैं अंडा अलबत् मेरे मियाँ बना रहे हैं और इस ज़बरदस्त किस्म के मीठे अंडे और पराठे के नाश्ते के बाद जो है वो हम निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर पे। एटलीस्ट जब हम घर से निकल रहे थे तो हम ऐसा ही सोच रहे थे तो जी डेढ़ घंटे की ड्राइव पे तकरीबन ये शहर है रास्ते में से हमने अपनी एक प्यारी दोस्त को पिकअप किया और फिर हम चल पड़े क्योंकि विंटर जो है ना वो ऐसा है कि जैसे अल्लाह ताला ने आपके लिए पेंटिंग्स बना के हर जगह पे रखी हुई हैं इस क़दर खूबसूरत कलर हैं फॉल के कि आप बस घर से बाहर निकलें और आपकी आँखें की तो क्या ही मैं बात करूँ आपकी रूह तक जो है वो तरोताज़ा हो जाती है तो सिर्फ सफर में ही देख लीजिए कि अभी हम रास्ते में हैं तो आपको किस कदर खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं और जी एडवेंचर ये था कि हमने एक बहुत पुराने शहर में जाना था और वहाँ पे एक बहुत पुरानी ट्रेन में बैठना था जो हमें फॉल के कलर्स दिखाएगी तो जी ये जो पुरानी ट्रेन थी ये तकरीबन 120 साल पुरानी थी और ये बिल्कुल सही हालत में इन्होंने जो है वो प्रिजर्व की हुई है इसको यूज़ कर रहे हैं और जो लोकोमोटिव इंजन होते हैं जैसे पुराने स्टाइल के इंजन जो धुआँ छोड़ते हैं जिसमें कोयला डाला जाता है चलाने के लिए तो वो वाले इंजन जो है इस गाड़ी को लेके आपको जंगलों में लेके जाएंगे तो सुन के कितना फैसिनेटिंग लग रहा है ना हमें भी लग रहा था वैसे तो तो बस हम जो हैं वो आ गए यहाँ पे कि अब हम इतने सदियों पुराने इंजन के साथ जो है वो गाड़ी में बैठेंगे और ये गाड़ी हमें तारीख जंगलात में ले जाएगी जहाँ पे रंग बिरंगे पत्ते होंगे और इतने ख़ूबसूरत फ़ॉल के कलर्स होंगे कि हम हैरान और परेशान हो जाएंगे तो बस आप भी मेरे साथ हैरान और परेशान होने के लिए तैयार हो जाएं इस शहर को जो है वो टोटन हैम कहते हैं अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ और हेलोवीन आने वाली है तो देखें ऑफिस में उन्होंने कितने मज़े के जो है ना ऑफिसर्स बिठा रखे हैं जो को मास्क पहना के बिठाया हुआ था <laughs> मैं तो उनको देख के खुश हो रही थी बेचारा हुसैन परेशान हो रहा था कह रहा था मामा ऑफिस वाले लोगों को क्या हो गया है मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटे ये ऑफिस वाले लोग बेचारे इस ट्रेन को देख देख के ऐसे हो गए तो <laughs> मजाक अपनी तरफ लेकिन ये कि बहुत सारे लोग आए हुए थे आपको पता है कि यह ओवर बुकड होती है इसमें कोई आपको टिकट नहीं मिलता है अगर आप वॉकन इन आके टिकट लेना चाहें तो आपको आधा एक घंटा पहले आके लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि लोग पहले से आके ही लाइन्स में लगे हुए होते हैं तो इसमें कंडक्टर है इसमें ड्राइवर है इसमें वो जो कोयला डालते हैं वो साहब हैं बड़े मज़े मज़े के लोग थे इसमें एट अ टाइम ट्रेन में 134 लोग बैठ सकते हैं या शायद ये बिठाते 134 लोग हैं इससे ज़्यादा भी बैठ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सीट्स बीच में खाली थी लेकिन पुरानी ट्रेन होने की वजह से शायद ये रिस्क नहीं लेते हैं और इस ट्रेन का जब वो प्रमोशन करते हैं तो वो इस तरह से बताते हैं कि ऐसे ट्रैवल कीजिए जैसे हमारे एन ट्रैवल किया करते थे और अब आप खुश हों कि कनाडा जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया तो बहरहाल इस ट्रेन में बैठ के मुझे तो ऐसा ही लगा कि हमारे एंसिस्टर्स क्या हम ख़ुद भी अभी भी पाकिस्तान में ऐसे ही ट्रैवल करते हैं और हमारे पास भी जो है वो ट्रेनस जो हैं वो इसी तरह से सदियों पुरानी ही हैं तो कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं महसूस हुआ लेकिन जो बाकी लोग आए हुए थे वो बड़ा इस चीज़ को फैंटिसाइज़ कर रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे ट्रेन को देख के तो जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से मेरा व्लॉग देख रहे हैं ज़रा बताइए क्या आपको इस ट्रेन को देख के कोई ख़ास ख्याल आ रहे हैं कि कोई आप एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ देख रहे हैं लेकिन इस ट्रेन के सफ़र में ना बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली भी थी सबसे इम्पॉटेंट बात कि आप अपने हेरिटेज को किस तरह से संभाल के रखते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप अपनी नई नस्ल को दिखा रहे हैं बता रहे हैं और ये मेरे हिसाब से तो ये एक ऑर्डनरी सी ट्रेन है लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इतना अच्छा पोर्ट्रे किया हुआ है कि आप जब इस ट्रेन पर बैठते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि आपके इन इस ट्रेन पर बैठते थे और हम लोगों ने किस तरह से तरक्की की है तो अपने पास्ट को याद रखना ना बहुत इम्पॉटेंट होता है अगर आप अपने पास्ट में वीक थे या कोई ऐसी फ्लॉस थे आपके अंदर जिनको आपने ओवरकम किया है और अब आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं, तो आपको अपना पास्ट याद रखने की बहुत ज़रूरत है खैर ये लोग तो अपने पास्ट में भी काफ़ी एडवांस थे हमसे किसी और ने इस ट्रिप को इतना इन्जॉय किया हो या नहीं लेकिन मोहम्मद हुसैन बहुत इन्जॉय कर रहे थे देख ही रहे हैं आप इनको दूसरी चीज़ मैंने ये इस पूरे ट्रिप से ऑब्जर्व की कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना हमें आना चाहिए आप देखें कोई साहब हैं जो ट्रेन को देख के खुश हो रहे हैं उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं आप रास्ते में भी देखेंगे जो साथ में गुजर रही है सड़क उस पे लोग खड़े हुए हैं आपको हाथ हिला रहे हैं अब ये सब कहाँ होता है मगर इन लोगों ने अपने दिल के अंदर के जो बच्चे को ना जिंदा रखा हुआ है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है हम लोग जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना हम अपने आप को इतना सप्रेस करके अपनी फीलिंग्स को रखते हैं कि नहीं बस बस इतना ही ठीक है ऐसे ही ठीक है खुश होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके बहुत इन्जॉय करना चाहिए और जो कंडक्टर थे वो इतने मज़े की कमेंट्री कर रहे थे वो हर चीज़ के बारे में कहते थे माइटी uh, कनाल आने वाली है तो वो माइटी कनाल ये थी एक माइटी मडी पडल आने वाला है तो वो माइटी मडी पडल भी छोटा सा एक पडल था या बहुत माइटी ब्रिज आने वाला है तो वो ब्रिज आके गुज़र भी गया और हमें पता भी नहीं चला लेकिन वो अंकल हर चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे पता नहीं हम कौन से दौरे पर निकल गए हैं दुनिया के कौन से ऐसे हसीन नज़ारे हमें नज़र आने वाले जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे तो मुझे वो स्पिरिट इतनी अच्छी और मज़ेदार लगी कि आप जो कर रहे हैं आप उसे इंजॉय कर रहे हैं और आप उसको उसी तरह से जो है वो आगे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी इस ट्रेन का ड्राइवर इस ट्रेन में जो भी वो मुझे पता नहीं उन्हें क्या कहते हैं जो कोयला डालते हैं वो साहब कंडक्टर और जो आपको सड़क पे ऑरेंज कलर के फ्लैग लेके नज़र आ रहे हैं लोग वो सब के सब वॉलेंटियर्स हैं सोचे ज़रा और आप इन लोगों की एज देखें ये सब के सब मोर देन सेवेंटीज़ में हैं और वॉल्टरली जो है वो काम कर रहे हैं यानी उन्हें घरों में बैठना पसंद नहीं है वो पब्लिक की ख़दमत के लिए जो है वो हाजिर हैं और काम the third कर रहे हैं <laughs> तो एक्टिव रहने की कितनी इंपॉर्टेंस है ना यहाँ पे हमारे यहाँ तो आदमी साठ साल का होता नहीं है अगर वो ख़ुद नहीं बैठना चाहता तो उसके घर वाले बिठा देते हैं कि अब्बा जी घर बैठ जाएं अब जो है वो बच्चे खिदमत करेंगे तो भाई अब्बा जी को घर बिठा देना जो है ना वो अब्बा जी के साथ ज़्याद्ती है उनको किसी काम में ज़रूर लगा रहने दें बेशक आप उन्हें अर्निंग हेड मत बताए बनाइए मगर उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ों में इन्वॉल्व रखें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें यहाँ तक मेरा सवाल है मैंने तो इस राइड से ज़्यादा पीछे जो घर नज़र आ रहे थे उनको एन्जॉय कि किया कि कितने अच्छे मज़ेदार किस्म के बैक यार्ड्स हैं लोगों ने कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं इन जगहों पर तो मैं तो उसी को देख के खुश हो रही थी और ये देख लीजिए ये सब वॉलेंटियर्स हैं जो ट्रैफिक को रोकने का काम कर रहे हैं और बस हमारी राइड ख़त्म और पहुँच गए इतनी माइटी राइड और इतनी सुपर राइड के बाद जो है वो हम एक घंटे के अंदर अंदर वापस भी आ गए तो जी बेशक ये ट्रिप मेरे हिसाब से उतना एक्स्ट्रॉडनरी नहीं था लेकिन इसमें बहुत चीज़ें थी देखने वाली और सीखने वाली और अपने पास्ट से जो है वो रिलेट करने वाली और अपने कल्चर को प्रमोट करने वाली चीज़ें बहुत थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों का ये कॉन्सेप्ट कि आप अपने पास्ट से जुड़े रहें हम अपने पास्ट से घबराते हैं हम कहते हैं कि बस पुरानी चीज़ है तो उसको फेंको अब नई नई की तरफ जाओ बेशक जाएं, नई चीज़ों की तरफ़ जाएं, दुनिया चेंज ही का नाम है जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है आप भी चेंज हों लेकिन जो आप हैं उसे हमेशा याद रखें तो जी बस हमने यहाँ पे जो है वो कुछ तस्वीरें बनवाई और, और मौसम जो है वो बहुत ठंडा हो गया है, तो अच्छी खासी ठंड भी थी यहाँ पर और मैं ये नोटिस कर रही थी कि जो भी लोग आए हुए हैं ना उन्होंने इस राइड को बहुत इन्जॉय किया शायद इस तरह की जो है वो तफरी आपको हर वक्त नहीं मिलती ना और ये मज़ेदार किस्म का इंजन जो हु कर रहा था ये भी हमें हर वक्त देखने को नहीं मिलता और मुझे बहुत सारे मैसेज आए पिछली दावत से रिलेटेड जो व्लॉग था उसको लेकर और थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत शुक्रिया इतनी सारी एफ़र्ट्स जो मैंने की थी वो डेफ़िनेटली अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए ही ये काम किया था और मुझे खुद भी अच्छा ही लगता है लोगों को इंटरटेन करना खिलाना पिलाना बुलाना तो बहुत मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिली उससे और आप लोगों को भी नए नए आइडियाज़ मिलते हैं उससे तो अच्छी बात है इसी तरह से तो होता है सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ है देखें आपके पास सोशल मीडिया में जो लोग चीज़ें दिखा रहे हैं वो हर तरह का कंटेंट आपके साथ शेयर हैं तो उसमें से बहुत नेगेटिविटी भी आप कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी उसे सीख सकते हैं तो हमेशा फ़ोकस रखें उन चैनल्स पे उन व्लॉगर्स पे जो आपको कुछ सिखा रहे हैं और आपके लिए जो है ना फ़ायदेमंद है तो ज़रूर ऐसे ही कंटेंट पे अपने आप को फोकस रखें लोग अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं लोग अपने घर दिखा रहे हैं इसकी वजह से जो है वो बहुत डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है तो हमेशा याद रखें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं जो किसी और के साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा और सेकेंडली वो आपके सामने से वही रखेगा जो अच्छा है वो डेफ़िनेटली आपके साथ वो शेयर नहीं करेगा जो बुरा है तो बस किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है वो कहते हैं ना ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन दी अदर साइड लेकिन आप इसको इस तरह से रखिए कि ग्रास वहीं पे ग्रीन होगी जहां आप उसे पानी देंगे तो अपनी साइड की ग्रास को अच्छी तरह से पानी दे के रखें वो हरी भरी रहेगी और आप भी खुश रहेंगे मैं और मेरी दोस्त ना सारा रास्ता हंसते हुए आए कि जितने ज़्यादा कलर्स हमें गाड़ी से नजर आ रहे हैं उतने ज़्यादा कलर्स तो हमें ट्रेन से नजर ही नहीं आए तो वो बेसिकली फ़ॉल के कलर्स दिखाने के लिए हमें ले गई थी मगर वो तो बेचारी कुछ दिखा नहीं सकी लेकिन हमें बहुत मज़ा आया और अगेन देख लीजिए कि ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटी नहीं थी मगर वो इतनी फ़न और इतनी यादगार से फिसीलिये बनी क्योंकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स की कंपनी थी तो हमेशा अपने दोस्तों को अपने प्यारों को अपने साथ रखें और इन्जॉय करें और बातें करें और खुश रहें और जी हम एक और छोटे से शहर से गुजर रहे थे और यहाँ पे भी कोई मेला सा लगा हुआ था अगर आप राइट लेफ्ट देखें तो पूरी हेलोवीन की डेकोरेशन चल रही थी और इन्होंने तो अभी से ही अपने पूरे शहर को डेकोरेट कर लिया और आप ये शहर देखें कितना मज़ेदार है ना कि बीच में एक ये छोटी सी रोड है और उसके राइट लेफ्ट पे जो है वो मज़ेदार किस्म के नन्हे नन्हे से घर हैं और वेल डेकोरेटेड हैं और ऐसे बस मैं कहती हूँ जैसे कोई मेला होता है जैसे कोई बाहर आई हुई होती है लोग सड़कों पर निकले हुए हैं गाड़ियाँ पार्क की हुई है, हैं बस रश सा लगा हुआ था तो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने तो अपने पूरे शहर में ही जो है ना वो फेस्टिविटी का माहौल बनाया हुआ है और अच्छा है लोग इसी तरह से तो ज़िंदगी गुजारते हैं और इन्जॉय करते हैं सारा दिन काम करें और छुट्टी वाले दिन जो है वो अच्छे तरीके से दिन को गुजारें ताकि आपका माइंड जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए बिल्कुल फ़्रेश अप हो जाए और जी दो तीन बड़े मज़ेदार किस्म के मेरे पास मैसेज आए हुए थे एक तो ये कि दुबई से कनाडा आने की कहानी सुनाइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और दूसरा कनाडा में बच्चे जो हैं उनकी तरबियत कैसी की जाए तो बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं इनके लिए तो मेरा ख्याल है दो व्लॉग्स भी कम हैं और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे नजरिए से जो है वो आप मुतफ़ हैं लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जहाँ आप रहते हैं अगर आप वहाँ ख़ुश हैं अपना खाना पीना अपने ख़र्चे पूरे कर सकते हैं तो आपको वहाँ से निकल के जो है ना वो दूसरे मुल्कों में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चाहे वो कैनेडा है चाहे वो दुबई है और अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में ही रहें उधर से उठ के आपको कैनेडा आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपनी जॉब से और अपनी लाइफ से सेटिसफाइड हैं और जहाँ तक बच्चों की ट्रेनिंग और तरबियत का सवाल है तो जो आप करेंगे आपके बच्चे वो करेंगे तो अपने आप को उनका रोल मॉडल बनाएं, अपनी आदतों को चेंज करें अपने अंदर अच्छी बातें पैदा करें और अपने बच्चों के सामने उनको प्रैक्टिस करें तो वो बच्चे ज़रूर अच्छे इंसान बनेंगे कहने से बच्चे कुछ नहीं सीखते देखने से सीखते हैं तो अगर आपको अच्छा करते हुए देखेंगे तो खुद ब खुद अच्छा करेंगे तो आपने अपनी कोशिश पूरी करनी है बाकी सब अल्लाह ताला पे छोड़ दें जो अल्लाह ताला करेंगे वो बिल्कुल अच्छा करेंगे आपकी नीयत साफ़ है आप अपने बच्चों को अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला बिल्कुल आपके साथ साथ आपकी हर मामले में मदद करेंगे और आपको तौफीक देंगे अल्लाह ताला से हिदायत और तौफीक मांगते रहें हर मामले में अल्लाह ताला आपको आसानी देंगे और ख़ास तौर पर दूसरों को आसानियाँ दीजिए किसी को मुश्किल में ना डालें अपनी वजह से अल्लाह ताला क्यों आपको हर मामले में आसानी नहीं देंगे तो जी खुश रहिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़